गाइस टेक टेल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज़ पीसी में गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपके टैब के जो पेजेस रहते हैं आपके ब्राउज़र में उसका जो नेम है वो शो नहीं कर रहा है, वो ब्लैंक शो कर रहा है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसको जो है कैसे फिक्स करते हैं अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं इसके लिए आपको 3 to 4 डिफरेंट मेथड्स बताऊँगा, तो एक भी ऑप्शन एक भी मेथड आपको यहाँ पर मिस करना नहीं है। लास्ट तक वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। तो सबसे पहले आप इस तरह का जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सबसे पहले आप अपना जो ब्राउज़र है क्लोज़ कीजिए। क्लोज़ करने के बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके जो भी टैब्स रहते हैं अब ओपन कीजिए, देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और हेल्प में जाइए और अबाउट गूगल क्रोम में जाइए। यहाँ से आप ईज़िली आपका जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। अपडेट से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो अब जो है नेक्स्ट मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए इस तरीके से और एक्सटेंशंस में जाइए और मैनेज एक्सटेंशंस में जाइए। अगर आप कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं आपके ब्राउज़र में आपके टैब्स वगैरह मैनेज करने के लिए कस्टमाइज़ करने के लिए तो उसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल कीजिए। अगर वो अनयूज़ है तो आप उसको जो है आपके ब्राउज़र से रिमूव ही कीजिए, यही बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप चेक कीजिए, हो सकता है आपका प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा। ये भी मेथड आपके पास अब वर्क नहीं कर रहा है तो आप जो है नेक्स्ट मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। फिर से आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है इस तरीके से। सेटिंग्स में यहाँ पे अब आपको जो है लेफ़्ट पैनल में ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, उसको ओपन कीजिए और इसको जो है आपको डिसेबल करना है कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप वाइल गूगल क्रोम इज़ क्लोज। तो इसको आप डिसेबल कीजिए। उसके बाद एक मरतब आपका जो ब्राउज़र है रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद देखिए आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि अब सॉल्व हो जाएगा। अगर अभी भी आप सेम ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो अब आपको जो है नेक्स्ट मेथड ट्राई करना है। फिर से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। फिर से सेटिंग्स में यहाँ पे अब आपको जो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ से आप अपने ब्राउज़र के जो कैचेस कुकीज़ वगैरह रहते हैं वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री क्लियर करना नहीं है तो इसको अनसेलेक्ट कीजिए। बाकी जो भी ऑप्शंस रहते हैं ये सारे ऑप्शंस को जो है आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको जो है टाइम रेंज में ऑल टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है क्लियर डेटा पे क्लिक कीजिए, डेट सेट। उसके बाद देखिए इससे भी आपका प्रॉब्लम्स हो सकता है सॉल्व हो जाएगा। ये भी मेथड आपके पास वर्क नहीं कर रहा है तो लास्ट और इसका फाइनल सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों। अब आपको आपके ब्राउज़र को जो है रीसेट करना पड़ेगा। तो इसको रीसेट करने के लिए फिर से आपको आपके ब्राउज़र की सेटिंग्स में ही आना है। यहाँ पर आपको जो है रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ओपन कीजिए। यहाँ से आप अपने ब्राउज़र को जो है ईजिली रीसेट कर सकते हैं। यही है इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो ये मेथड्स में से कोई ना कोई एक मेथड डेफिनेटली 100% आपके पास वर्क करेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके पास कौन सा वाला मेथड वर्क किया है, ठीक है। ये भी मेथड आपके पास कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तो और एक बोनस मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब आपको जो है आपके ब्राउज़र को अनइंस्टॉल करके उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।